बड़ी सुंदर कहानी है इस बात पर, हमारी माताएं बहने ध्यान दें। माताओं बहने, गांव में एक दादाजी रहते थे, उनका एक बेटा था और उस बेटे का विवाह हुआ। एक बहू घर में आई, बहू जो थी वो बुद्धिस्ट विचारधारा की थी, लेकिन उन दादाजी का काम क्या हुआ करता था, वो सुबह सवेरे स्नान करके और जब तक सूर्य को जल ना चढ़ा दे तब तक वो खुद पानी नहीं पीते थे, उनका प्रतिदिन का एक काम था। और माताओं बहनों, जब सर्दी का मौसम आता था, ठंडी का मौसम, तो ठंडी के मौसम में क्या होता है, सूर्य दिखाई नहीं देता दिन में ज्यादातर। तो वो दादाजी क्या करते थे, जिस दिन अगर कोहरा के कारण या बादल के कारण सूर्य दिखाई नहीं दिया तो वो दादाजी पूरा दिन खाना ही नहीं खाते थे। फिर उस दिन उनका व्रत हो जाता था, शाम को खाना खाते थे। अब बड़ा कमजोर हो गए, बीमार रहने लगे। तो एक दिन बहू ने समझाया कि पिताजी अब आप बूढ़े हो गए, अभी पूजा भक्ति के चक्कर में आप खाना नहीं खाते हैं समय पे, इसीलिए आप कमजोर हो गए, बीमार हो गए, ये सब आप छोड़ दीजिए। आप सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके और सूर्य देवता को जब तक जल नहीं चढ़ाते तब तक आप खुद जल नहीं पीते हैं। अरे आप इस धरती पे जो जल चढ़ाते हैं क्या वो सूर्य देवता को मिल जाता है, नहीं मिलता है। अब बहू ने जब इतनी बात कही तो दादाजी को गुस्सा आ गया और दादाजी बोले कि अच्छा, मतलब तुम्हारे माता पिता ने यही सिखा के भेजा है, अब तुम हमें बताओगी कि क्या सही और क्या गलत है। अरे तुम्हें क्या पता, हम जो जल यहाँ पे चढ़ाते हैं वो सूर्य देवता को मिल जाता है। अब दादाजी ने जब ऐसी बात कह दी तो बहू ने कुछ नहीं कहा, वही चुप हो गई। दो चार पांच दिन के बाद उन दादाजी को बुखार आ गया। माताएं बहने जल्दी जल्दी बैठ जाएं आप लोग, माताएं बहने इधर सुनिएगा आप। दो चार पांच दिन के बाद दादाजी को बुखार आ गया, अब बहुत तेज बुखार आ गया, दो चार रजाई ओढ़ के लेटे हैं। प्यास लगी तो बहू को आवाज लगाई और पीने के लिए पानी मांगा। अब अम्मा बहनों होता क्या है, बहू पानी लेके तो आई लेकिन जब देखा कि पिताजी दो चार रजाई ओढ़ के लेटे हैं तो बहू ने वो पानी चुपके से चारपाई के नीचे डाल दिया और लौट गई, बोली कुछ नहीं। अब पिताजी ने देखा तो सोचा अरे गलती से पानी गिलास छूट गया होगा, अभी बहू फिर पानी लेके आई, लेकिन बहू नहीं आई। तो पिताजी ने फिर आवाज लगाई, बहू पानी ले आओ, बहू फिर पानी लेके आई, फिर से चारपाई के नीचे डाल दिया, फिर लौट गई। कहने का मतलब है कि जितनी बार दादाजी ने पानी मांगा लेकिन पिताजी को पानी नहीं दिया, कहां डाल दिया, चारपाई के नीचे। अब जितनी बार पिताजी ने पानी मांगा वो बहू पानी लेके आती है, चारपाई के नीचे डाल देती। धीरे धीरे शाम हो गई, पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि आने दो हमारे बेटा को। और शाम को जब बेटा घर आया तो पिताजी ने भाई चुगली की, बोले बेटा आज बहू ने हमको पानी नहीं दिया, हम पानी मांगते रहे लेकिन बहू हमें पानी देने नहीं आई। बहू तुरंत सामने आ गई, बोली पिताजी झूठ क्यों बोल रहे हो, आपने जितनी बार पानी मांगा मैंने उतनी बार आपको पानी दिया। पिताजी ने कहा हमें तो पानी नहीं मिला, पानी तुम लेके आई लेकिन चारपाई के नीचे डाल के चली गई, हमें कहां दिया। तो बहू बोली पिताजी आपको पानी मिला नहीं। पिताजी ने कहा जब चारपाई के नीचे पानी डाला था तो हमें कैसे मिल जाएगा। बहू ने कहा पिताजी पानी तो आपके नाम से ही मैंने डाला था। बहू ने कहा आपके नाम से ही, आपका नाम लेके ही मैंने पानी चारपाई के नीचे डाला था। पिताजी एक बात बताइए, आप ही तो कह रहे थे कि जो जल हम इस धरती पे डालते हैं वो सूर्य को मिल जाता, अब सूर्य इतनी दूरी पे है तो आप धरती पे जल डालते उसको मिल जाता है, तो हम तो आपकी चारपाई के नीचे आपका नाम लेके पानी डाले थे, आपको नहीं मिला। अगर आपके द्वारा चढ़ाया गया जल सूर्य को मिल जाता है तो हमारे द्वारा भी जमीन पे डाला हुआ जल आपको मिल जाना चाहिए। और बहू बोली पिताजी अब कुछ भी कहो आप लेकिन हमसे पानी ऐसे ही पाओगे। बहू ने कहा जब आप पानी मांगोगे तो आपके नाम से हम दूर से पानी डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। अब पिताजी एकदम चुप, कोई जवाब नहीं है। थोड़ी देर बाद पिताजी बोले कि बहू अच्छा गलती हो गई बेटा, अरे भला तुम दूर पानी डालोगी तो हमें कैसे मिल जाएगा। पिताजी ने सोचा अब तो बुढ़ापे में पानी भी नहीं मिलेगा,
तो बोले बहू तुम ही सही कह रही हो, अरे मैं ही गलत था। उनको इस बात को मानना पड़ा और उसी दिन से उन्होंने ये पाखंड छोड़ दिया। तो माताएं बहने इस तरीके से हमको विचार करना चाहिए। पाखंड आडंबर अंधविश्वास इसी को कहते हैं, जिससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, जिससे हमारा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इससे फायदा मिलेगा।